साथियों, आज हम लोग JNU SU एडमिन आया था और इसलिए आया था कि वाइस चांसलर की तरफ से एक मेल आया था कि आज वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है, आपके साथ मिलना चाहते हैं। सवाल हम पिछले दो महीने से लगातार वाइस चांसलर से पूछ रहे थे, बराक का सवाल हो, चाहे SOE का सवाल हो, चाहे MCM बढ़ाने का सवाल हो, नॉन नेट फेलोशिप का सवाल हो, उसके साथ साथ जो CPO मैनुअल, जो हमारे राइट टू प्रोटेस्ट को भी छीन लिया गया है इस कैंपस में, और जो छात्र अपने हक की आवाज उठाते हैं उन पर भी लगातार फाइन डाल दिया जा रहा है, इन सारे सवालों पर, और उसके साथ साथ लाइब्रेरी का इशू है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदतर हो चुका है, इन सारे सवालों पर जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे और हम इनको चार्टर ऑफ डिमांड भी सौंप दिए थे कि हम इस पे आप जल्दी जवाब दीजिए, लेकिन आज उनका मेल आया था तो हमें लगा कि कुछ पॉजिटिव मैसेज आने वाला है, लेकिन जब आते हैं तो यहाँ मजाक किया जाता है आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के साथ, पूरे JNU कम्युनिटी के साथ, स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ कह दिया जाता है कि ये मीटिंग आपके साथ नहीं होनी है, आपको बाद में बुलाया जाएगा, मिस्टेक से चला गया। इसी तरफ हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ AVVP को बुलाया जाता है मिलने के लिए, आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाती है, लेकिन जो उनका पिट्ठू संगठन है, जो हर समय उनके हाँ में हाँ मिलाते रहता है, हर समय उनकी दलाली करते रहता है, उनको बुलाया जाता है। इस मिस्टेक को हम सहन नहीं करेंगे, ये सिर्फ मिस्टेक रिप्रेजेंटेटिव के साथ नहीं, पूरे JNU स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रशासन के खिलाफ, इस वाइस चांसलर के खिलाफ और जो उनका पिट्ठू संगठन है, इन सबके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। हम एक इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट में जाने वाले हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें शामिल हो।